Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Aurad. Now, in last class, we study exercise 4D, right? Now, today we start as exercise 4E. Before that, we study addition and subtraction together, right? So, addition and subtraction together, right? तो हमें एक ही प्रॉब्लम में या तो एडिशन भी करना है और सबट्रैक्शन भी करना है, right? Addition and subtraction together. तो see here how to add as well as subtract the number, right? तो 3423 plus 4312 minus 3723 है, right? तो first see here, इन दोनों नंबर के बीच में एडिशन है, तो फर्स्ट हमें एडिशन करना है. इन दोनों का एडिशन जो आंसर आता है उसमें हमें 3723 को माइनस करना है. तो see here, how to solve 3423 plus 4312. तो प्लस है, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो फर्स्ट हमें एडिशन करना है. 3 प्लस 2 इज 5, 2 प्लस 1 इज 3, 4 प्लस 3 इज 7, 3 प्लस 4 इज 7. तो 7735 इज द आंसर, राइट? तो एडिशन करने के बाद नेक्स्ट नंबर देखो, माइनस है, तो माइनस कितना है, 3723 हमें इसमें से माइनस करना है. तो सी है 7735 minus 3723. So 5 minus 3 is 2, 3 minus 2 is 1, 7 minus 7 is 0, 7 minus 3 is 4. So 4012 is the answer. So इस तरह से हमें problem को solve करना है, right? So next we go to exercise. तो एक्सरसाइज 4E, सी हियर एक्सरसाइज 4E. तो इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन, सबट्रैक्ट एंड check the answer in your notebook. तो आपके notebook में इन problem को लिख के आपको subtraction करना है और check करना है. तो check कैसे करेंगे आप, right? जब हम बड़े number में छोटे number का subtraction करते हैं, जो भी आंसर आता है वो छोटे नंबर से हमें याद करना है, तब हमें बड़ा नंबर आंसर में आता है, तो उसे हम चेक अवर आंसर बोलते हैं, राइट? तो सी हियर, ए क्वेश्चन इज गिवन, 329 माइनस 175, राइट? तो फर्स्ट माइनस करो, 329 minus 175. So see here, 329 is greater than 175. तो ये बड़ा है इससे, right? तो first minus करो, 9 minus 5 is 4, 2 minus 7. तो 2 में 7 नहीं जाता है, तो 1 carry करो और इसे 2 बनाओ. 12 minus 7 is 5, 2 minus 1 is 1. तो 154 is the answer. जब subtraction करते हैं. तो चेक करना है, तो यहां देखो आप चेक बोल के लिखे. अब देखो, अब इन दोनों नंबर में जो छोटा नंबर रहता है उसके साथ जो आंसर आता है वो एडिशन करना है. तो इसमें इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 175 प्लस आंसर क्या है, 154. ऐड करने के बाद लार्ज नंबर मिलना चाहिए. तो 5 प्लस 4 इज 9, 7 प्लस 5 इज 12, कैरी 1,
वन प्लस वन इज टू, टू प्लस वन इज थ्री, तो 329, तो सी है 329, तो अवर आंसर इज करेक्ट, राइट। तो इस तरह से आपको चेक करना है, तो चेक करने के लिए जो छोटा छोटा नंबर रहता है उसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है उसे ऐड करना है, तो सी है, तो 175 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो वहां लिखे सो है, और इन दोनों में जो सब्ट्रैक्शन किए सो आंसर आता है उसे प्लस करना है, तो हमें लार्ज नंबर मिलना चाहिए, तो हम किए सो आंसर करेक्ट है बोल के हम हमें समझ में आता है, राइट, आवर आंसर इज करेक्ट। तो नेक्स्ट ई क्वेश्चन देखो, सेवन हंड्रेड थर्टी टू माइनस 456, तो फर्स्ट माइनस करना है, राइट, तो सी है 732 माइनस 456, राइट, तो इन दोनों में स्मॉलर नंबर कौन सा ही है, 456 है, तो 2 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी 1 करो तो 12 होता है, और ये 2 होता है, 12 माइनस 6 इज 6, अगेन 2 माइनस 5, तो इम्पॉसिबल है बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन 5, तो छोटे नंबर में हमें बड़े नंबर को माइनस करने को नहीं आता है, तो इसलिए हम 7 में से 1 कैरी करेंगे और इसे 6 बनाएंगे, 12 माइनस 5 इज 7, 6 माइनस 4 इज 2, तो 276 इज द आंसर। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें बड़ा नंबर मिलना चाहिए, तो इसलिए इन दोनों में जो स्मॉलर नंबर है उसे ऊपर लिखो, प्लस जो आंसर आया सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो लिखो, अब ऐड करो, 6 प्लस 6 इज 12 और 2 कैरी 1, राइट, 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13, 13 को 3 कैरी 1, 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, तो 732 इज आवर आंसर, राइट, तो हमने जो सब्ट्रैक्शन किया है वो करेक्ट है, राइट, तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, राइट, जितने भी रिमेनिंग प्रॉब्लम है आप सॉल्व करो, नोटबुक में सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करो। नेक्स्ट वी गो टू सेकंड क्वेश्चन, तो सी व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व इन 11 नोटबुक, तो आपके नोटबुक में ही सॉल्व करना है, तो ए क्वेश्चन देखिए, 153 माइनस 64 प्लस 207, तो देखो फर्स्ट हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आता है उसके साथ 207 प्लस करना है, तो सी है 153 माइनस 64, राइट, तो 3 में से 4 नहीं जाएगा, क्यों, 3 इज स्मॉलर देन 4, राइट, तो 3 क्या है, 4 से भी छोटा है, तो छोटे नंबर में बड़े नंबर को हमें माइनस करने को नहीं आता है, तो कैरी 1 करो, तो ये 13 होता है, ये 4 होता है, 13 माइनस 4 इज 9, अगेन 4 माइनस 6, 4 इज स्मॉलर देन 6, कैरी 1 करो, ये 0 होता है, 14 माइनस 6 इज 8, राइट, 89 इज द आंसर, राइट, अब इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करने के बाद 89 है, अब 89 को क्या करना है, प्लस 207 प्लस 89, क्यों, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो 7 प्लस 9 इज 16 को 6 कैरी 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 8 इज 9, 6 2, तो 296 इज द आंसर, राइट, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट डी क्वेश्चन, तो सी हियर व्हाट इज द डी क्वेश्चन, 219 प्लस 153 माइनस 86 प्लस 103, तो 103,
तो फर्स्ट इन दोनों का करेंगे, जो भी आंसर आता है उसमें माइनस 86 करेंगे, तो माइनस 86 करने के बाद जो आंसर आता है उसे प्लस 103 करेंगे, राइट। तो सी है, फर्स्ट इन दोनों का करो, 219 प्लस 153, 9 प्लस 3 इज 21 को 2 कैरी 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 5 इज 7, 2 प्लस 1 इज 3, तो 372 इज द आंसर। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें 372 आंसर है। अब इसमें से हमें 86 माइनस करना है, तो सी है 372 माइनस 86, तो सी है 2 माइनस 6, 2 इज स्मॉलर देन 6, तो 2 क्या है 6 से भी छोटा है, तो कैरी 1 करो, तो कैरी 1 दिस इज 6, 12 माइनस 6 इज 6, अगेन 6 माइनस 8, अगेन 6 इज स्मॉलर देन 8, तो 6 क्या है 8 से भी छोटा है, तो हमें क्या करना है कैरी 1 करके देना है, तो 6 16 दिस इज 2, 16 माइनस 8 इज 8, 2 माइनस यहां कोई नंबर नहीं रहा तो 0 रहता है, 2 माइनस 0 इज 2, तो 286 इज द आंसर। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप, तो इस आंसर को 103 से हमें प्लस करना है, राइट। तो देखो इन दोनों के बीच में प्लस था इसलिए एडिशन किए, जो भी इन दोनों का आंसर आता है उसमें से हमें क्या करना है 86 माइनस करना है, 86 माइनस करने के बाद 286 इज द आंसर, राइट। तो आप यहां तक आए, तो 286 प्लस 102 3 करना है, तो तब हमें आंसर मिलता है 6 प्लस 3 इज 9, 8 प्लस 0 इज 8, 2 प्लस 1 इज 3, तो 389 इज द आंसर। तो नेक्स्ट हम लास्ट एफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सी है 708 प्लस 134 माइनस 567 माइनस 87, दिस इज द गिवन क्वेश्चन। तो सी है, फर्स्ट इन दोनों नंबर के बीच में एडिशन है, तो फर्स्ट एडिशन करो, जो भी आंसर आता है उसमें 567 माइनस करो, जब माइनस करने के बाद जो भी आंसर आता है उसमें 87 माइनस करना है, तो सी है 708 प्लस 134, तो इन दोनों के बीच में प्लस है इसलिए प्लस, 8 प्लस 4 इज 2, वेयर को 2 कैरी 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 3 इज 4, 7 प्लस 1 इज 8, तो 842 इज द आंसर। तो इसमें से अब देखो इन दोनों का एडिशन करने के बाद 842 है, आगे कौन सा माइनस है, तो 842 में माइनस 567 करना है, राइट। तो सी है 2 माइनस 7, 2 इज स्मॉलर देन 7, दैट्स व्हाई टेक कैरी 1, तो कैरी लेना है, तो इसे 3 बना, 12 माइनस 7 इज 5, 3 माइनस 6, अगेन 3 स्मॉलर देन 6, तो कैरी 1 करो, इसके 7 बनाओ, 13 माइनस 6 इज 7, 7 माइनस 5 इज 2, तो 275 इज द आंसर, जब a माइनस करने के बाद, राइट। अब देखो यहां तक आया है, तो इस 200 माइनस 275 माइनस 87, तो 275 में हमें माइनस 87 करना है, राइट। तो 5 माइनस 7, अगेन 5 इज स्मॉलर देन 7, तो 5 क्या है 7 से भी छोटा है, तो कैरी 1 करो, इसे 6 बना, 15 माइनस 7 इज 8, तो 6 माइनस 8, तो 6 क्या है छोटा है 8 से भी, तो 16 माइनस 8 इज 8, 1 माइनस 0 इज 1, तो 188 इज द आंसर, राइट। तो 188 इज द आंसर। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। जितने भी रिमेनिंग प्रॉब्लम है आपके नोटबुक में सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना है, ओके। तो नेक्स्ट बीट इज सब्ट्रैक्टिंग बिगर नंबर्स। तो सब्ट्रैक्टिंग बिगर नंबर्स बोले तो हमें बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करना है,
तो सी है सफ्रैक्ट सफ्रैक्ट 4320 फ्रॉम फ्रॉम 5683. तो फ्रॉम बोले तो 5683 में हमें 4320 माइनस करना है, राइट? तो सब्ट्रैक्टिंग बिगर नंबर्स, राइट? तो सी है, तो लिखो आप यहां 5683. अब यहां देखो यूनिट 10, 100,000 आगे का नंबर लिखना है, तो आप यूनिट प्लेस से ही स्टार्ट करना है, राइट? तो 0, 2, 3, 4, 4320 माइनस करना है, तो यहां साइन लिखना है आपको, राइट? तो सी है 3 - 0 = 3, 8 - 2 = 6, 6 - 3 = 3, 5 - 4 = 1. तो 1363 इज द आंसर. तो इस तरह से आपको बड़े नंबर का सबट्रैक्शन करना है. और एक एग्जांपल करेंगे हम, सबट्रैक्ट 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 1463 फ्रॉम 6895, राइट? तो 6895 में हमें 1463 माइनस करना है. तो सी है 6895, तो यूनिट 10, 100,000 ऐसे ही लिखो आप, राइट? तो माइनस साइन लिखना है. 5 - 3 = 2, 9 - 6 = 3, 8 - 4 = 4, 6 - 1 = 5. तो 5432 इज द आंसर, राइट? तो सपोज और एक एग्जांपल देखो, सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट 987 फ्रॉम 4586, राइट? तो अब इसे देखो कैसे लिखना है. 4586 माइनस, अब यूनिट 10 और 100 के प्लेस को ही लिखना है. यूनिट इज 7, 8 और दिस इज 9, राइट? तो इस तरह से लिखना है, यहां कोई नंबर नहीं रहा तो आप जीरो लिख सकते हैं, राइट? तो 6 - 7, तो 6 - 7 इज नॉट पॉसिबल, तो इसे 16 बना, राइट? तो 16 - 7 = 9. अब इसमें से कैरी करने के बाद 7 होता है, 7 - 8 अगेन 7 इज स्मॉलर देन 8, तो 17 - 8 = 9, राइट? तो दिस इज 4, तो कैरी वन फॉर 14 - 9 = 5, दिस इज 3, 3 - 0 = 3, तो 3599 इज द आंसर. तो इस तरह से आपको 4 डिजिट के नंबर में 3 डिजिट नंबर को माइनस करना है, तो आपको यूनिट 10, 100 ऐसे ही प्लेस को लिखते जाना है, राइट? तो कंफ्यूजन नहीं होता है, यूनिट के यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस ही लिखो, राइट? तो सी है नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4L. तो सी है इन दैट अरेंज इन अरेंज इन कॉलम्स एंड सबट्रैक्ट. तो ऑलरेडी दे गिवन इन बॉक्स, तो आप बॉक्स में फिल करके आप सबट्रैक्शन कर सकते हैं, राइट? तो सी है अरेंज द अरेंज इन कॉलम्स अरेंज इन कॉलम्स एंड सबट्रैक्ट. तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन 3462 - 1550, राइट? सी है, तो आपके बुक में बॉक्स बनाए, सो बॉक्स बनाएंगे हम भी,
वंस, टेन, हंड्रेड, दिस इज थाउजेंड, तो यहां साइन लिखो आप माइनस, राइट? तो सी है राइट हियर नंबर्स, तो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखना है, तो सी है 3462 माइनस 1250, राइट? तो इस तरह से आपको फील करके आपको लिखना है, 2 माइनस 0 इज 2, 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 निकालो तो 1 होता है, 4 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2, तो 2212 इज द आंसर, राइट? तो आपके बुक में दिए सो है ऑलरेडी बॉक्स, राइट? तो उसमें नंबर लिख के आपको माइनस करना है. नेक्स्ट वी गो टू डी क्वेश्चन. सी हियर व्हाट इज द डी क्वेश्चन. द गिवन 6529 माइनस 3018, तो रीड कैसे करना है देखो, यहां जीरो है इसलिए यूनिट 10, 100, 1000, 3018 ऐसे आपको रीड करना है, तो बॉक्स बनाओ. वंस, टेन, हंड्रेड एंड थाउजेंड, वंस, टेन, हंड्रेड, दिस इज थाउजेंड, राइट? तो यहां माइनस साइन लिखो, आप सब्ट्रैक्शन करना है तो लिखो 6529 माइनस 3018, राइट? तो सी है 9 माइनस 8 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 5 माइनस 0, एनी नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 0, वी गेट सेम नंबर. तो कौन से भी नंबर में से आप 0 निकालने के बाद वही नंबर आता है. 5 माइनस 0 इज 5, 6 माइनस 3 इज 3, तो 3511 इज द आंसर, राइट? तो सी है 3511 इज द आंसर. नेक्स्ट जी क्वेश्चन 1999 माइनस 1504, तो बॉक्स बनाओ इसे, राइट? तो यूनिट 10, 100 एंड 1000, यहां माइनस लिखो, यूनिट 10, 100, 1000, तो प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी नंबर लिखो, 1999, तो 1999 माइनस 1504, राइट? तो इस तरह से फिल करना है, फिल करने के बाद माइनस करना है. 9 माइनस 4 इज 5, 9 में से 4 जाने के बाद 5 बचता है. 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनus 5 इज 4, 1 माइनस 1 इज 0, राइट? एनी नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय इटसेल्फ देन वी गेट 0, राइट? कौन से भी नंबर में वही कौन से भी नंबर को वही नंबर से माइनस करने के बाद 0 आंसर आता है, राइट? तो 4095 इज द आंसर. तो नेक्स्ट जे क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द जे क्वेश्चन. 6902 माइनस 5001, राइट? तो यहां कोई नंबर नहीं है, 00 है, यूनिट 10, 100, 1000, 5001, राइट? तो सब्ट्रैक्शन करना है अभी, तो फर्स्ट टेबल बनाएंगे. वंस, 10, 100, 1000, वंस, 10, 100, दिस इज 1000, तो देखो 6902
माइनस, तो यहाँ साइन लिखना है माइनस 5000 1, 2 माइनस 1 इज 1, 0 माइनस 0 इज 0, 9 माइनस 0 इज 9, 6 माइनस 5 इज 1, तो 1901 इज द आंसर, राइट। तो नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो लास्ट एम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। 4759 माइनस 3240, राइट, माइनस करना है। तो बॉक्स बना, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड। तो यहां माइनस साइन लिखना है। 4759 माइनस 3240, राइट। तो 9 माइनस 4 यूनिट प्लेस ही आना है। 9 माइनस 4 इज 5, 5 माइनस 1 इज 4, 7 माइनस 2 इज 5, 4 माइनस 3 इज 1, 1545 इज द आंसर। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है, राइट। इफ एनी डाउट, तो आपको डाउट रहे तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछिए, राइट। तो नेक्स्ट हम ऐसे ही कई एग्जांपल ओन करेंगे, राइट। तो सी हियर, Subtract 786 from 9878, right? तो इसमें से अभी इसे माइनस करना है। तो देखो, तो फर्स्ट इसे लिखो 9878 माइनस, अब यहां देखो यूनिट 10 100000, यहां यूनिट 10 100 ही है, राइट। अब इन तीनों प्लेस को कैसे लिखना है, यूनिट 10 और 100 के प्लेस को लिखना है, यूनिट 10 7, और यहां कोई नंबर नहीं रहे तो आप जीरो लिख सकते हैं, राइट। माइनस करो आप, 8 माइनस 6 इज 2, 7 माइनस 8 इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों, तो 7 क्या है, 8 से भी छोटा है, राइट। तो छोटे नंबर में बड़े नंबर को हमें माइनस नहीं करना आता है, करने को नहीं आता है, तो कैरी वन करो और इसे 7 बनाओ, तो ये 17 होता है, टू डिजिट नंबर फॉर्म होता है, 17 माइनस 8 इज 9, तो 17 में 8 निकालो तो 9 होता है, 7 माइनस 7 इज 0, 9 माइनस 0 इज 9, राइट। सेकेंड और एक एग्जाम्पल करेंगे, 8788 माइनस 579, तो 8788 में हमें 579 माइनस करना है, राइट। तो 8788 इज द फोर डिजिट नंबर, तो उसमें है, देखो फोर डिजिट नंबर है, 1 2 3 4, ये फोर डिजिट नंबर है, ये थ्री डिजिट नंबर है, तो फोर डिजिट में हमें थ्री डिजिट माइनस करना है। तो लिखो यहां 8788 माइनस यूनिट 10 और 100, यहां कोई नंबर नहीं रहा तो जीरो लिखो, राइट। तो इस तरह से आपको लिख के माइनस करना है, 8 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो 18 बना और इसे 7 होता है कैरी वन करने के बाद, 18 माइनस 9 इज 9, 7 माइनस 7 इज 0, 7 minus 5 is 2, 8 minus 0 is 8, so 8209 is the answer, right? So, इस तरह से आपको subtraction के problem solve करना है, right? तो remaining जितने भी problem आपके exercise में है, वो solve करो, right? If any doubt, then ask in WhatsApp, okay? Thank you, do homework.